हेलो फिजोशीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजोशी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक नई थाई बीएल ड्रामा डीप नाइट का एपिसोड फर्स्ट लेकर आई हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं ये सीरीज़ लेकर आऊँ। इसके 3 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 3 दिन के अंदर ही यानी कि हर रोज़ एक न्यू एपिसोड लाऊँगी, ताकि जब इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो मैं ऑन द स्पॉट उसे अपलोड कर सकूँ। तो जिस तरह आपने बाकी के ड्रामा को सपोर्ट किया है, मुझे यकीन है कि आप इसे भी जरूर सपोर्ट करेंगे। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम फेराया नाम के एक लेडी को देखते हैं जो डीप नाइट क्लब की ओनर है। इस वक्त मिस फेराया एरियल डांस कर रही होती है क्योंकि कुछ लोग उनके क्लब के सिलसिले में उनका इंटरव्यू लेने आए होते हैं। इंटरव्यूअर मिस फेराया से उनके डांस फॉर्म के बारे में पूछता है। मिस फेराया बताती है कि वो जो डांस कर रही थी उसे एरियल डांस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज होता है, जैसे कि सिल्क, हुप्स, स्ट्रैप और भी बहुत सारी चीज़ें। आगे मिस फेराया अपने डीप नाइट क्लब के बारे में बताते हुए कहती है कि हर शुक्रवार उनके क्लब में एरियल शोज, एरियल पोल शो और एरियल स्ट्रैप शो होते हैं। इसी तरह वो अपने क्लब की कुछ और तारीफ करती है और सभी व्यूअर्स को एक बार उसके बार में आकर इंजॉय करने को बोलती है। मिस फेराया का लाइव इंटरव्यू जापान नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट अपने फ़ोन में देख रहा होता है। वो अपने फ़ोन में डीप नाइट क्लब के बारे में सर्च करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि ये एक होस्ट क्लब है। आगे हम इस कहानी के पहले मेन लीड खीमटित से मिलते हैं, जो यूनिवर्सिटी में काफ़ी पॉपुलर है। जब भी वो कहीं जाता है तो लड़कियां एक बार तो उसे ज़रूर पलट कर देखती हैं। हमेशा की तरह एक लड़की खीमटित के लिए कुकीज लेकर आती है और शर्माते हुए उसे देने की कोशिश करती है, पर खीमटित मना करके चला जाता है और अपने दोस्त जापान के पास आता है। जापान खीमटित को फ्रेंच फ्राइज देता है जो उसने इंजीनियर फैकल्टी के बॉयज से लिया था। खीमटित जापान को थैंक यू बोलता है और रेड सोडा के साथ खाने लगते हैं। जापान को ये चीज़ अजीब लगती है कि कोई फ्राइज और सोडा एक साथ कैसे खा सकता है। फिर भी वो खीमटित को उसे एक बार टेस्ट कराने को बोलता है, पर खीमटित टेस्ट कराने से इनकार कर देता है। इस छीना झपटी में फ्राइज उड़कर एक लड़के के तरफ चला जाता है, जो कब से इनके हरकतों से परेशान हो रहा था। तो मिलते इस कहानी के दूसरे मेन लीड वेला से, जो बेचारा चुपचाप अपनी पढ़ाई में बिजी था, पर इनके हल्ले की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था। वेला फ्राइज उठाता है और गुस्से में खीमटित को देते हुए उसे थैंक यू बोलता है स्नैक्स देने के लिए और इतनी शोर करके उसे परेशान करने के लिए। उसके बाद वेला अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी खीमटित उसे परेशान करने के लिए मैसेज करता है कि अगर उसे शांति चाहिए तो उसे पार्क जाना चाहिए। वेला आखिरी बार खीमटित को गुस्से वाला लुक देकर वहाँ से चला जाता है। खीमटित को देखकर ऐसा लगता है जैसे वेला को परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद सभी लोग अपने क्लासेस में चले जाते हैं। खीमटित और वेला एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों एक ही बिजनेस फैकल्टी के स्टूडेंट भी होते हैं। टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तब खीमटित अपने मोबाइल में बिजी होता है। टीचर बच्चों को समझा रहे होते हैं कि इस वक्त या फिर आने वाले समय में कौन सा बिजनेस बहुत चलने वाला है। इसके लिए वो सभी से पूछते हैं कि बाहर कौन कौन जाता है, जिनमें से कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं, उसी में से एक स्टूडेंट वेला भी होता है। टीचर उन बच्चों से सवाल करते हैं कि बार और क्लब बिजनेस में कौन कौन स्टूडेंट इन्वेस्ट करना चाहता है। वेला हाथ उठाता है और इस सवाल का जवाब देता है। वेला का नाम सुनते ही खीमटित का ध्यान उस पर चला जाता है। वेला के अनुसार बार जैसे बिजनेस को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है और यहाँ अल्कोहल को भी सपोर्ट मिलता है, इसलिए इन बिजनेसेस के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में अल्कोहल बेवरेज की डिमांड्स भी बढ़ने वाले हैं। सभी लोग वेला के आंसर से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। टीचर भी वेला की तारीफ करते, पर खीमटित का मानना कुछ और ही होता है। उसे नहीं लगता है कि ये बिजनेस उतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स के बहुत बार्गेन करने के चांसेस होते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए बहुत लोगों को भी जॉब पर रखना पड़ता है, और ऐसा भी होता है कि कोई भी कस्टमर्स एक ही बार में बार बार नहीं जाते हैं। और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सिर्फ प्रीमियम लिकर बनाने में फोकस करते हैं, जिससे अल्कोहल कंजप्शन करने वाले कस्टमर की संख्या कम हो रही है। वेला के पास खीमटित के प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन होता है। ऐसा
लगता है जैसे वो दोनों बॉक्सिंग रिंग में खड़े होकर लड़ रहे हैं। आखिरकार टीचर को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ता है। टीचर स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक पर असाइनमेंट लेकर आने का काम दे देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जापान खेमतीत को टीच करते हुए कहता है कि वो वेला को उसी तरह परेशान कर रहा था जिस तरह बॉयज अपने क्रश को परेशान करते हैं। तभी वेला को उसके आंटी का मैसेज आता है ये बताने के लिए कि आज वो उसकी माँ के क्लब जाएगी। जी हाँ, मिस फेराया जो डीप नाइट क्लब की मालकिन है, खेमतीत उनका ही बेटा है। मैसेज पढ़ते ही खेमतीत का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसकी आंटी उसके माँ की बुराई करने लगती है कि उन्होंने इस तरह का क्लब क्यों खोला। खेमतीत को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। खेमतीत जापान से कहता है कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा, जिस पर जापान कहता है कि खेमतीत कहीं पर भी चली जाए वो लोग उसे ढूंढ ही लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि खेमतीत के घर पर मिस फेराया का असिस्टेंट लूसी क्लब में यूज किए जाने वाले कपड़े चेक कर रहा होता है, जिसमें से शॉप वालों ने दो कपड़े नहीं भेजे होते हैं। लूसी वर्कर्स को धमकी देता है कि अगर कल उनके शॉप वालों ने कपड़े क्लब नहीं भेजा तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। उसके बाद वो सभी को भेज देता है। तभी मिस फेराया वहाँ आती है और लूसी से कपड़ों के बारे में पूछती है। लूसी उनको सारी बात बता देता है और अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो आज भी क्लब जाएगी। अगर वो एक रात अपने क्लब नहीं जाएगी तो उनका क्लब गायब नहीं हो जाएगा। मिस फेराया खेमतीत को याद दिलाती है कि वो उसकी माँ है और उन्होंने इस तरह से उसे बात करना नहीं सिखाया। खेमतीत अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, वो बस नहीं चाहता है कि उसकी माँ रात को काम करने जाए, उनके लिए ये सेफ नहीं है। मिस फेराया खेमतीत की टेंशन को दूर करते हुए कहती है कि वहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं और वैसे भी फ्यूचर में ये क्लब खेमतीत को ही मिलने वाला है। खेमतीत कहता है कि अगर उन्होंने उसे क्लब दिया तो वो उसे रेस्टोरेंट बना देगा। तभी लूसी वहाँ आता है और खेमतीत को प्रॉमिस करता है कि अगर किसी ने भी मिस फेराया को परेशान किया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। रात को खेमतीत की आंटी क्लब के सामने खेमतीत का इंतजार करते हुए जो भी वहाँ आता है उसे देखकर मुंह बनाते रहती है। तभी खेमतीत भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उन्हें अंदर ले जाता है। उसकी आंटी जब टॉयलेट जाती है तब खेमतीत दाई के पास जाता है जो उसी क्लब में काम करता है वो, और वो खेमतीत को पहचानता है कि वो मिस फेराया का बेटा है। खेमतीत दाई से पूछता है कि यहाँ पर कोई उसे पहचानता तो नहीं है ना, वो किसी को भी उसके बारे में बताने के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो दाई को बताता है कि उसे अपनी आंटी की वजह से आज यहाँ आना पड़ा। खेम को भी नहीं पसंद जब उसकी आंटी यहाँ आती है क्योंकि उनका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हर किसी चीज़ में खामियां ही निकालते रहती है। उसके बाद दाई खेमतीत को वहीं पर वेट करने को बोलकर स्टेज पर चला जाता है क्योंकि आज शुक्रवार है तो हर बार की तरह आज भी उनके यहाँ स्पेशल शो होने वाला है। खेमतीत भी शो देखने आ जाता है। एक एक करके लड़के अपना प्रोग्राम करते हैं पर जिसने खेमतीत का ध्यान अपनी ओर खींचा होता है वो कोई और नहीं बल्कि वेला होता है जो डीप नाइट क्लब में ही काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस क्लब का नंबर वन परफॉर्मर है। खेमतीत वेला की परफॉर्मेंस में पूरी तरह खो जाता है। अपनी आंटी की वजह से उसे बिना पूरा परफॉर्मेंस देखे ही आना पड़ता है। उसकी आंटी खेमतीत को उनके साथ उनके मेन घर चलने को कहती है और प्रॉमिस करती है कि खेमतीत को वो सब कुछ दिलाएगी जो उसे चाहिए। आंटी कहते हैं कि भले ही खेमतीत अपने माँ के साथ रहता है पर अभी भी वो उनके खानदान ऋतप्रेशा का बेटा है। खेमतीत को ऐसी गंदी जगह पर रहना नहीं चाहिए। ये सुनकर खेमतीत को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर उसके यहाँ रहने से उन्हें प्रॉब्लम है तो उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और अपना खुद का बच्चा कर लेना चाहिए, वो उनके साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। आंटी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लासरूम में खेमतीत वेला को ही देखते रहता है और सोचता है कि क्या कल वाला लड़का सच में वेला ही था। वो खुद को और वेला को स्टेज पर एक दूसरे को किस करते हुए इमेजिन करने लगता है। तभी जापान वहाँ आता है और खेमतीत को उसके सपनों से बाहर लाता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ असाइनमेंट के लिए जोड़ी बनाएगा। दरअसल टीचर ने सभी को पेयर वर्क दिया होता है। खेमतीत
खेमती बिना उसे जवाब दिए वेला के पास जाता और पूछता है कि क्या उसने असाइनमेंट के लिए पार्टनर ढूंढ लिया है। वेला उसे इग्नोर कर देता है, इसलिए खेमती उसके कान में आकर कहता है कि वेला को उससे बात करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। वेला उसे गुस्से में घूरने लगता है। क्लास खत्म करके खेमती अपने माँ के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि वो उस फैमिली के टच में क्यों रहना चाहती है, उन्हें उन लोगों का ब्लॉक कर देना चाहिए। जिस पर मिस फेराया कहते हैं कि वो लोग खेमतिद की फैमिली है, पर खेमतिद का मानना होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा रूड है और हमेशा उन्हें नीचा दिखाते रहते हैं। मिस फेराया खेमतिद की इन सारी शिकायतों को इतनी बार सुन चुकी होती है कि अब तो उन्हें भी पता होता है कि खेमतिद आगे क्या कहने वाला, इसलिए वही उसकी बातों को पूरा कर देती है। उसके बाद वो खेमतिद से पूछती है कि उसे बाहर जाकर कैसा लगा, वो फ्यूचर में बार उसे ही देने वाली है। मिस फेराया खेमतिद को वहाँ पर इंटर्नशिप करने को कहती है। उन्हें यकीन होता है कि एक दिन खेमतिद को बार जरूर पसंद आएगा। खेमतिद वेला के बारे में सोचकर इंटर्न की जॉब करने के लिए मान जाता है। रात तक क्लब में ये बात फैल जाती है कि आज से कोई नया लड़का उन्हें ज्वाइन करने वाला है, पर उन्हें भी अभी तक ये नहीं पता कि वो कौन सा काम करने वाला। वो लोग बस प्रे करते हैं कि वो लड़का होस्ट ना हो, नहीं तो उन सभी की जॉब्स खतरे में जा सकती है। ग्रेट खेमतिद के लुक्स की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने लगता है, तभी वेला भी वहाँ आ जाता है। ग्रेट वेला से पूछता है कि उसने आते वक्त नया इंटर्न को देखा कि नहीं। वेला ना बोलकर वहाँ से चला जाता है। ग्रेट सोचता है कि वेला को इन सब से क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो वैसे भी इस क्लब का नंबर वन परफॉर्मर है। वेला जैसे वॉशरूम में एंटर करता है, वहाँ पर खेमतिद को देखकर वो चौंक जाता है कि खेमतिद प्राइवेट एरिया में क्या कर रहा है। वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है, नहीं तो वो गार्ड से उसकी शिकायत कर देगा। जिस पर खेमतिद भी कहता है कि अगर वेला ने उसकी शिकायत की तो वो भी यूनिवर्सिटी में टीचर से उसकी शिकायत कर देगा कि वो इस जगह पर काम करता है। वेला को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, और वैसे भी अगर खेमतिद किसी से भी कुछ कहता है तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो भी ऐसी जगह पर घूमने आता है। वो खेमतिद के करीब आकर पूछता है कि उसे यहाँ पर क्या पसंद है, वो उसे दिलाने में उसकी हेल्प कर सकता है और कुछ चीज़ें रिकमेंड भी कर सकता है। खेमतिद उसे बता देता है कि वो यहाँ घूमने नहीं आया है बल्कि वो भी यहाँ काम करता है। उसके बाद दाई खेमतिद को सभी से मिलवाती है। मिस फेराया खेमतिद को ट्रैफिक असिस्टेंट गार्ड की पोजिशन देती है, जो कस्टमर्स की गाड़ियों को पार्क करवाने में हेल्प करेगा। वो अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी सभी लोग बाहर आते हैं। जेम्स खेमतिद को बताता है कि उसे सारी गाड़ियों को बार के सामने नहीं बल्कि साइड में पार्क करवाना चाहिए। खेमतिद ऐसा ही करता है, वो अपने काम में बिजी हो जाता है। ग्रेट को यकीन ही नहीं होता है कि इतने हैंडसम लड़के को ट्रैफिक असिस्टेंट बना दिया गया है। वेला को लगता है कि खेमतिद यहाँ पर सिर्फ मस्ती करने के लिए आया है, वो कल से काम पर नहीं आएगा, इसलिए वो सभी को उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। खेमतिद पानी पीने के लिए बैठा ही होता है कि तभी दूसरी गाड़ी आ जाती है, वो फिर से काम पर लग जाता है। मिस फेराया ये सब देखते रहती है। उन्होंने जानबूझकर खेमतिद को काम दिया होता है ताकि जब उसे बाद में क्लब संभालना पड़े तो वह घबराए नहीं, और इस तरह नीचे से काम करके वो खुद का कनेक्शन भी बना सकता है। दाई को खेमतिद के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो देख पाती है कि कैसे खेमतिद की बॉडी पेन कर रही है, इसलिए मिस फेराया दाई को खेमतिद को मसाज वाउचर्स देने को कहकर वहाँ से चली जाती है। पूरी रात काम करने की वजह से अगले दिन खेमतिद की पूरी बॉडी दर्द देने लगती है और उसे नींद भी आती है। खेमतिद को जमाई लेता देख जापान पूछता है कि वो पूरी रात क्या कर रहा था। खेमतिद झूठ बोलता है कि वो पूरी रात फुटबॉल खेल रहा था, पर जापान को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसके बाद जापान वॉशरूम चला जाता है, उसी वक्त वेला वहाँ आता है। खेमतिद उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता और पूछता है कि क्या वो उससे बातें नहीं करेगा, उसे केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो वो लोगों को बता देगा कि वो कल रात क्या कर रहा था। जिस पर वेला कहता है कि वो वहाँ काम करने जाता है ना कि मस्ती करने, इसलिए खेमतिद जो करना चाहता है जिसे बताना चाहता है बता सकता है। इतना कहकर वेला चला जाता है। तब तक जापान भी वापस आ चुका होता है। खेमतिद फिर से वापस से सोने चला जाता है। बार में सभी लोग शाम के शो के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वहीं वॉल पर सभी होस्ट की फोटो लगी हुई होती है और उसके नीचे बार के कुछ नियम्स लिखे हुए होते हैं। नियम के अनुसार एम्प्लॉय आप
आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने की मनाही है। खेमती ग्रेट से इस रूल के बारे में पूछता है कि यहाँ पर डेट करना अलाउ क्यों नहीं है। इस पर जेम बस इतना कहता है कि उसे सच में यहाँ पर किसी को डेट नहीं करना चाहिए, पर ग्रेट जेम्स से मजाक में कहता है कि वो तो उसे डेट करना चाहता है। जेम्स भी मजाक में ही ग्रेट को उसके साथ नहाने के लिए इनवाइट करके वॉशरूम में चला जाता है। ग्रेट भी खुशी खुशी उसके पीछे जाता है। खेमतीन अपनी ड्यूटी कर रहा होता है कि तभी एक लड़की जो अपने मोबाइल में बिजी होती है उस वजह से वो खेमतीन से टकरा जाती है, जिससे उसकी सैंडल टूट जाती है। खेमतीन की कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी वो लड़की खेमतीन पर गुस्सा किए जाती है, जिससे खेमतीन को भी गुस्सा आ जाता है। इससे पहले बात आगे बढ़ती वेला वहाँ आ जाता और बात को संभाल लेता है। वो उस लड़की से उसका सैंडल ले लेता है और उसे ठीक कराने को कहता है। उसके बाद वो चेक करता है कि कहीं उसे ज़्यादा लगी तो नहीं है। वो खेमतीन की तरफ से उससे माफ़ी मांगता है और उस लड़की को अंदर ले जाता है। इन सब से खेमतीन का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। वो भी उनके पीछे जाने वाला होता है कि तभी केन वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन खेमतीन मना कर देता और केन से पूछता है कि क्या यहाँ के एम्प्लॉय कस्टमर के साथ बाहर जाते हैं। केन समझ जाता है कि खेमतीन वेला के बारे में बात कर रहा है। वो खेमतीन को बताता है कि वेला एक रात का ही इतना कमा लेता है कि उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि वेला उसी लड़की का हाथ पकड़कर उसे संभालते हुए कार तक ले जाने लगता है। वो लड़की थोड़े नशे में होती है और वेला से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगने लगती है। तभी खेमतीन वहाँ आता है। वो लड़की खेमतीन को देखकर चिढ़ने लगती है कि अभी तक उसे किसी ने काम से निकाला क्यों नहीं। खेमतीन उस लड़की को जाने से पहले अपना कार चेक करने को बोलता है। वो लड़की देखती है कि उसके कार के टायर की हवा निकल गई है। वो गुस्से में खेमतीन पर चिल्लाने लगती है। खेमतीन उस लड़की के लिए ऑटो मंगवाता है और उसी में बैठाकर उसे भेज देता है। वेला खेमतीन को समझाता है कि उनके इन हरकतों की वजह से बार अपने कस्टमर्स खो देगा, जिस पर खेमतीन कहता है कि इस बार को अपने कस्टमर्स ध्यान से चुनना चाहिए। वेला को टेंशन होती है कि आज का बिल अब कौन पे करेगा। खेमतीन उसे टिप देने को बोलकर वेला को अपने साथ बाहर नूडल शॉप पर खाने ले जाता है। वेला को देखकर खेमतीन कहता है कि वो अपने यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लुक से बिल्कुल अलग दिखता है, वो इस वक्त बहुत सेक्सी लग रहा है। वेला समझ जाता है कि खेमतीन की नज़रें कहाँ जा रही है, इसलिए वो खेमतीन को अपना खुद का गोल्डन रूल बताता है, जिसके अनुसार वो कुछ भी काम फ्री में नहीं करता है, हर काम के बदले उसे कुछ वापस चाहिए। ये सुनकर खेमतीन स्माइल करने लगता है। उसके बाद दोपहर में उसने वेला को जो भी धमकी दी थी उसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है। वो बस उससे मजाक कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि वेला को बुरा लग जाएगा। वेला भी बदले में उससे बुरी बात कहने के लिए माफ़ी मांगता है। उसे नहीं पता था कि खेमतीन अपने काम को लेकर इतना सीरियस है और वो भी यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से दिखता है उससे बिल्कुल अलग है। वेला उठकर कहीं जाने लगता है कि खेमतीन उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है कि अगर वेला को समझना है कि वो सेम इंसान है कि नहीं, तो वेला को उसे और करीब से देखना होगा, या फिर वेला को जब पैसे मिलते हैं वो तभी अच्छे से बात करता है। वेला खेमतीन से दूर होता है, तभी बाकी के होस्ट भी वहाँ आ जाते हैं और वेला और खेमतीन को देख कर उनके साथ ही खाने बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैक्सी वाला जापान को डीप नाइट क्लब के बाहर लेकर आ जाता है। जापान की जब नींद खुलती है तो वो टैक्सी वाला पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने टैक्सी वाले को उसके घर का पता दिया था, ना कि क्लब का, जबकि टैक्सी वाले का कहना होता है कि जापान ने उस इसी जगह का एड्रेस दिया था। तभी जापान की नज़रें वेला और खेमतीन पर जाती है जो क्लब के अंदर जा रहे होते हैं। वो उन्हें देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है। उसके बाद टैक्सी वाला उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर वेला खेमतीन को उनके जो भी डील हुई थी उसे याद रखने को कहता है। यूनिवर्सिटी में जब तक जरूरी नहीं होगा तब तक खेमतीन उससे कोई बात नहीं करेगा, वो लोग अपनी लाइफ अलग जिएंगे। खेमतीन पूछता है कि ये सब करने के बदले में उसे क्या मिलेगा। वो बदले में वेला को उसके गाल पर किस करने को कहता है। वेला खेमतीन के पास आता है, ऐसा लगता है जैसे वो सच में खेमतीन को किस करने वाला है, पर वो उसके गाल पिंच करके वहां से चला जाता है। खेमतीन वहीं खड़े होकर मुस्कुराते रहता है, उसके बाद वो भी अंदर चला जाता है। और इस तरह एपिसोड फर्स्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मैं कल ही इसका एपिसोड सेकंड लेकर आऊँगी, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय।